अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फ्रंट फुट विद यासर अमीद। और आज हम बात करेंगे कौन से चार प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में मुझे इम्प्रेस किया। वैसे तो ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स हैं जो जिनकी मैं बात करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, कीप वॉचिंग फ्रंट फुट विद यासर अमीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो चार प्लेयर्स की बात करेंगे हम जो कि पीएसएल में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जिन्होंने अपना इम्पैक्ट शो किया और जिसकी परफॉर्मेंस से उनका जो ग्राफ है वो बढ़ा मेरी नज़र में। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे है शुएब मकसूद। शुएब मकसूद ने 428 रन्स किए इस पीएसएल में, 550 किए। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो इनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, लेकिन आखिर में इन्होंने जो मोमेंटम बनाया और जो परफॉर्मेंसेस दी, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से मुल्तान सुल्तान चैम्पियन बनी। तो हमारी लिस्ट पे नंबर वन पे है शुएब मकसूद। नंबर टू पे हम बात करेंगे जो एक और हमारे फेवरेट इस पीएसएल से, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस से और अपनी जो मज़ेदार हरकतें हैं उनसे लोगों को बड़ा महसूस किया, बड़ा जो है इंटरटेन किया, बड़े इंटरटेनिंग क्रिकेटर हैं और बड़ा अच्छा फ्यूचर उनका लग रहा है अगर वो अपनी क्रिकेट पे फोकस रहें और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दें। क्योंकि ठीक है, ये चीज़ें भी मज़ा करती हैं, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो लोग आपको याद रखेंगे, वरना फिर है से था बनने में देर नहीं लगती। तो खैर, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बड़ा ज़बरदस्त उनका आगे फ्यूचर लग रहा है, वो है शाहनवाज धानी। तो शाहनवाज धानी जो है हमारे नंबर टू पे हैं। अच्छा जी, नंबर थ्री पे हमारे फॉरेनर प्लेयर हैं, हमारे हमसाया मुल्क के एक उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर जिन्होंने अपने छक्कों की वजह से लोगों के दिल जीते और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। आखिरी तीन मैचेस में, बड़े क्रूशल मैचेस में उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस की कि उनकी टीम जो थी वो फाइनल में पहुंची। तो मेरे ख़्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी, हज़रतुल्ला ज़ज़ई ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, पेशावर ज़ल्मी को फाइनल तक पहुंचाया और उनकी जो इनक्रेडिबल बैटिंग थी, 17 बॉलों पे 50 किए उन्होंने, फिर उन्होंने 44 बॉल पे 66 किए, उससे पहले भी उन्होंने 150 किया। तो हज़रतुल्ला ज़ज़ई हमारी लिस्ट में नंबर तीन पे हैं। अच्छा जी, नंबर चार पे जो हैं वो हैं लाहौर कलंदर से खेले फॉरनर प्लेयर हैं राशिद खान। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम आगे नहीं आ सकी, फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। थोड़ी सी उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजी थोड़ा सा उसमें गलती हुई, चूक गए जिसमें, और मेरे ख़्याल से उनको आगे आना चाहिए था। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो नंबर वन पे थे वो लोग, और फिर जो है देखते ही देखते नंबर पाँच पे आ गए। तो विच इज़ नॉट हैप्पी मोमेंट फॉर लाहौर फैंस, और हम सब चाहते थे, क्योंकि लाहौर का जो सिस्टम है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ उन्होंने, अपने प्लेयर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। अगर ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो फिर दिल टूटता है फैंस का भी, और सिस्टम भी जो है ना वो थोड़ा सा शैटल होता है कि यार क्या। एनीवे अभी स्टार्ट है, लेकिन होपफुली दे विल डू वेल अहेड, और आगे उनका अच्छा होगा। राशिद खान ने अपनी टीम को बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेट किया अपने परफॉर्मेंसेस से, उन्होंने भी बड़ा अच्छा करेक्टर शो किया एज ए प्रोफेशनल, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने टीम को सहारा दिया, लीड किया एक किस्म का, एज ए प्रोफेशनल जिस तरह लीड करना चाहिए, फील्ड में भी जान मारते रहे और बॉलिंग में भी कमाल दिखाई। तो ये थे हमारे चार प्लेयर्स जो कि मैं समझता हूँ कि पीएसएल में नुमाया रहे। एक और की भी बात कर लेते हैं, पांचवे की भी बात कर लेते हैं, वो है कॉलिन मोनरो। कॉलिन मोनरो ने इस्लामाबाद से खेले और वो भी फॉरेनर प्लेयर हैं, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और जाने माने
वेल हिटर हैं, जाने माने प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और बड़े जानदार हैं। एक चीज़ जो हम अपने हिटर्स में और अपने जो एग्रेसिव प्लेयर्स में हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि शॉटें मारते हैं मारते हैं, लग गई ना लगे तो आउट होके आ जाते हैं। आप जितने भी जजई को देख लें, आप जजई ने एक इनिंग्स में उनसे शॉट्स नहीं लग रही थी तो उन्होंने 25 बॉल पे 25 किए थे, उसी इनिंग में फिर 44 बॉल पे उन्होंने 66 किए, तो इट मींस उन्होंने बाकी के जो 19 बॉलों पे उन्होंने 36 रन्स किए। तो देखें उनकी एकदम स्ट्राइक रेट भी उनका 150 पे चला गया। तो ये चीज़ें हमारे जो शर्जील खान हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपसे शॉट नहीं लग रही तो आप अपने विकेट ना दो, आप विकेट पे खड़े रहें। यही चीज़ कॉलिन मोनरो ने की। कॉलिन मोनरो ने जितनी भी इनिंग्स खेली बड़ा वो स्टेबल होके खेले, बड़ा बारी लेके खेले। तो ये थी हमारी जी पिक ऑफ द प्लेयर्स ऑफ PSL। तो आपके कौन से, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमें भी जो है और भी वीडियोस बनाने का दिल करता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।